जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा ये देखें सर, आप इधर आया ये वापस गया उधर कुछ देख के, और यहां पर चीज जो है ये शर हो जा रहा है आगे। आप स्लो करके दिखा रहा हूं, ये देखिए ये कुछ है, हाँ खड़ा हुआ है जैसे, और ये उसका शेडो जा रहा है। ये देखिए कितना आराम से जा रहा है सर, आप ये नोट कीजिएगा, ये जैसे कुछ चीज हवा में ही ऐसे जा रही होती। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे कोई पाव से नहीं चल रहा, जैसे जैसे कोई चीज ना ऐसे जा रही हो। देखिए पाव से चलने में क्या होता है, एक मूवमेंट महसूस होती है आपको, हाँ, और एक चीज ऐसी होती है जैसे ये आप कह रहे मोटरसाइकिल कह रहे साइकिल कह रहे, या आप वो नहीं व्हील को क्या कहते हैं, वो जो ट्रैकिंग व्हील, ट्रैकिंग व्हील जो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक आया है आजकल, उसको हूवर बोर्ड कहते हैं, उसे हूवर बोर्ड जो होता है कहते हैं, उसके ऊपर जैसे कोई ऐसे जा रहा होता है मूव करके। लेकिन सर उसमें भी झटका लगता है, स्टार्टअप हो कुछ हो, क्योंकि अगर स्मूथली जा रहे हैं, अगर कंटिन्यू स्मूथली जा रहे हैं ना आप, दूसरी बात कर रहे कि ऐसा लगा जैसे कोई ना इस तरह से मूव हुआ, वॉक नहीं थी। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इनका वजूद कितना बड़ा था, तो शायद आप इत्तेफाक करें कि इंसानी नहीं था। नोट कीजिएगा सर, ये आप चेक करें यहां तक, ठीक है, ऊपर वो खिड़की देख रहे हैं, मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां तक। अच्छा, आप वो पीछे खिड़की देख रहे हैं, और आप ये देखिए इनकी हाइट, ये वहां तक कितनी ऊंची, और इनका वजूद देखें कितना चौड़ा सा, और जा पता है किस तरफ रहेंगे, ये वॉशरूम। और जितने स्लो ये जा रहे हैं ना, फौरन समद भाई बाहर आए हैं, समद भाई फौरन बाहर आए हैं, और कुछ भी नहीं था, समद ने ही नोटिफाई किया था, मुझे कुछ लगा क्योंकि हमने से तो हमें वापस आया ना, मैं तो ऑडियो को जगह में यहां दिखा रहा हूं, इसने कुछ देख के वापस गया, तो लकी लीजिए कोई मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है यहां पर। हाँ ये अभी ये दिख रही है, वो तो मैंने वो सेंटर फोकस देखा था कि यहाँ कुछ है। अब अगर आप इनकी मूवमेंट देखें और आप इस पूरे सीन को कंटिन्यू देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि वो बाहर तक आया है, और बाहर आके उसने देखा है, पहले अपनी आंखों से देखा है, फिर कैमरे से देखा है, और वहां कोई भी नहीं है, रूम बंद थे सारे। और मैंने बाकायदा आगे जाके रूम को धक्का दिया, वो लॉक था, एक ही जगह खुली हुई थी वॉशरूम, और जितनी स्लो स्पीड में ये जा रहे हैं ना, ये वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। समद भाई ने देखा ये वहां गायब थे, मतलब जो चीज थी शीशे के पीछे हमें रिकॉर्ड हुई, शीशे के पीछे डायरेक्ट लाइट में नहीं, और जहां डायरेक्ट लाइट आई सामने वहां वो चीज गायब है, और आगे जो था वो रास्ते ही नहीं उतरने का ना चढ़ने का फर्स्ट फ्लोर का आएंगे जी। मैं आपको पूरा सीन दिखाऊं स्लो करके, गौर कीजिएगा जी, हम कमरे में हैं और अरे पहले से नीचे देखा अपनी आंखों से, और ये देखें कहां है, देखो फिर अंधेरा छाया हुआ, हां और मैं गया हूं, हां ये देखिए बात, इन्होंने यहां देखा है उसको, हां और ये मैं गया हूं, ये लॉक था सर, हां ये देखिए ये लॉक था, इसके बाद बचा वो नहीं, इतनी धीरे हमने बात की है, मैंने उसको फोकस कर लिया था, मतलब इतनी तेजी से समद वापस आया है, जब उसको पता चला कोई मौजूद है, यार वो सेंटर में नहीं है, वो सेंटर में चीज नहीं है, मतलब यू क्या बना कि माइक्रो सेकंड में आया है। हाँ पीछे पिलर दिखने लगा, पीछे पिलर दिखने लगा,
बहुत और झलक रिकॉर्ड हुई है उनकी जाते हुए, लेकिन वो जिस स्पीड से जा रहे हैं ना, इतनी स्पीड वो उनकी मैच नहीं हो रही, मतलब स्पीड इतनी जल्दी वहां से यहां कैसे आई जो झलक रिकॉर्ड हुई, और फिर यहां के बाद आगे कहां गायब हो गए, ये मैच नहीं हो रहा आपस में। नोट के रहते झपक लगी उसको पता चली ना, वो लाइट उसके उसमें भी बड़ी बड़ी भारी बात है भी और नहीं भी। हाँ, और ये रिकॉर्ड कहा हुआ है जी, शीशे के पीछे, शीशे के डायरेक्ट लाइट में नहीं आई ये चीज, शीशे में थी, शीशे के अंदर थी, क्या थी? क्योंकि मैं आपसे कह रहा था सज्जाद, हमें क्योंकि मेरे कमर में पैर के निशानात और जूते के निशानात दिख रहे थे, जब कोई आता नहीं तो वो कैसे थे, मैं कह सज्जाद हमें वहां से दिख ही नहीं रहा, सर नहीं देख रहा है, मैं ये देखिए बकायदा मुझे पता है कुछ है, ये फौरन इधर आए, हां हां ये आए, 1 2 3 4 5 इधर आंखों से पहले देखा, फिर कैमरे में देखा, कुछ भी नहीं है। फ्रेम्स की बात है, एक चीज ना यूं जा रही है स्लो, अगर वो यूं ही जा रही होती तो अगली खिड़की तक होनी चाहिए थी, यहां तक होनी चाहिए थी यार, इधर तक बहुत हुआ, इसके आगे तक, मैं तो उस दरवाजे तक गया, वो लॉक था, और उसके आगे फिर मैंने यहां भी देखा, इधर सामने भी देखा, इधर डब में भी देखा, यहां भी सर कोई नहीं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने यहां भी देखा शराब, मैंने यहां एक वाइट कुर्सी मिली हमें, जिसकी ना सीट थी ना बैक सपोर्ट थी, लकड़ी का ढांचा था वो, और वो रखा हुआ था 15A रूम नंबर जो है ना, इसमें जाते आप तो उसमें रखा हुआ था, 15B के और 15A की दोनों की एंट्री पे, ये 15B की एंट्री है लेकिन गेट दोनों लगते थे। यहाँ पर ना ये कुर्सी पहले यहाँ नहीं थी, ये अंदर थी, और अंदर भी बाबा ने और अंदर किया था इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जब मैं पहुंचा ना इस जगह पे जी, तो ये कुर्सी इस जगह रखी हुई थी, ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, और बाबा क्या करते हैं देखिएगा, मैं गुजर जाता हूँ ऐसे ही, बाबा ने क्या किया, हमारे लिए रास्ता बनाना होता ना, टकराएंगे, लगेगा मट्टी लगेगी कपड़ों पे, हालांकि मैं ऐसे ही गुजर जाता हूँ, मैं नहीं छेड़ता चीजों को, जो जगह चीज जहाँ हो ना उसको वहीं रहने देते हैं, सही ना, पसंद की जाती है बात बहुत। आप ये सुन के आए कि जी यहाँ पर जिनात की मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, लोगों ने महसूस किया, अब उनकी जगह एक तरह से उन्होंने अपने हिसाब से एक चीज रखी हुई है, आप वहां जाके उसको अगर हटाते हैं, मैं अक्सर आपको याद दूंगा, कोई दरवाजा खोलता हूँ तो उसको बंद भी करवा देता हूँ, कोई चीज खिड़की खोलता हूँ उसको बंद भी कर देता हूँ, जो जैसा होता है मैं कोशिश होती है वैसे ही कर दूं उसको दोबारा, अधूरा छोड़ के ना हो काम। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इस कुर्सी को कर दिया आगे, उस वक्त मैंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ जी, इसकी पोजीशन रात में यहां आ गई, हमें एक दो आवाजें ऐसी आई जो थोड़ी बहुत मैच करती हैं लकड़ी की आवाज से, लेकिन उस हमिंग साउंड से नहीं करती, वो जो हमिंग साउंड आपने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये जी समझ आई बात के वाक्यतन ऐसा हुआ है, ये एपिसोड नंबर 2 में हुआ था सोल्जर बाजार में, जहां क्या हुआ कि इस कदर जानवर मरे हुए थे, जहां वो दरख्त में से खून निकला था, हाँ, 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 हाँ। तो इस कदर जानवर मरे हुए थे वहां पर ना कि सांस लेना मुश्किल था, घुटन थी शदीद। तो मैंने क्या किया था, शाम में ना उन खिड़कियों को खोल दिया था, क्योंकि रात को हमने दोबारा आना है यार, सांस तो ले सके, थोड़ी सी वेंटिलेशन तो हो जाए,
शारजा में रात को पहुंचा, सारी खिड़कियां बंद थी। ये खुद सारी, हालांकि वो बाबा चौकीदार पठान भाई जो थे वो बेचारे तो जा नहीं रहे थे, और उन्होंने मेरे सामने ताला लगा दिया था कि भाई इसको बंद ही रखें। वहां वो नई नई दुल्हन आई थी जो गिलास, मतलब शादी हो गई थी, वहां पर खातून आई थी, उनको पानी दिया, तबीयत खराब हुई उनको, उनको पानी दिया, पानी पी लो, पानी फेंक के कांच का गिलास खा गई थी पूरा ना। और वहां चौकीदार देखते थे कि दरख्त में ना चार चार औरतें ना मेहंदी का सामान लेके गांव के अंदर जा रही हैं और उससे बाहर निकल रही हैं, यानी शायद है लोग उसके। वहां मैंने ना स्प्रे किया था, खुशबू करने की कोशिश की थी, जिसका बड़ा भारी रिएक्शन आया था। तो मेन सोल्जर बाजार को मैंने दिखाया था, मुझे याद आ गया जगह जी। तो मुझे फिर यही समझ आया कि अगर किसी ऐसी जगह पर आप जाए ना, और अगर आपको मजबूरी में कुछ चीजें हटानी है अपनी जगह से, तो उनको वापस जरूर रखें। ये बात भी उनको बड़ी नापसंद हो जाती है ना, उनको बात दुश्मनी पे आ जाती है एक तरह से। मुझे तो शबी जलाली मखलूक है, कुछ भी बुरा लग सकता है उसको, सदियों तक पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। आज शाम को बात हो रही थी जी, मैंने यही कहा कि अल्लाह पाक महफूज रखें इन ना समझ में आने मामला से। लोग आपको पागल समझना शुरू कर देते हैं, आप समझा नहीं पाते अपनी बात। हमने देखा है ना आंखों से, मतलब अगर मुश्ताक को हम वो कच्चा गोश्त खाने पे और हमला करने पे अगर दाखिल करवा देते पागल खाने, जेल में डाल देते, उसका क्या होता। हमने पूरा इलाज दिखाया उसका शराब पे, और जिन्होंने इलाज किया मौलाना मोहम्मद उमैर साहब, उनके नाम के साथ बताया कि जो जो जरिया है, जो क्रेडिट है, वो उसी को जाना चाहिए। सही, हम छुपा नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो पूरा इलाज दिखाया आपको, जितने घरों पे हम गए, वो अगर हम जाके कह देते कि नहीं जी इनको एडमिट कर दें, कर दें, वो कर दें, तो बात समझने की है, महसूस करने की है और सुनने की है दिल से। लेकिन बात भी तो पता चल गई ना सजा तुम्हें कि उसको कहां से पीछे पड़ी चीज। अब देखे ना कितनी चीज ओपन हुई, हुई। ये कब होती, जब आप हौसला रखते सुनने का, पेशेंस के साथ। आप अगर पहले कह देते नहीं जी तो हमला कर रहे हैं, तो कच्चा गोश्त खा रहे हैं, जहनी मरीज है, उसको आप एडमिट कर, तब वो बात कहां खुलती, आज नॉर्मल कहां होता वो अलहमदुलिल्लाह। इसी तरह कई केसेस जी, आप हमने क्या किया, बस जाके सुने। एफबीआर वाला भाई यार, ये तो यहाँ ये हुआ है कि पागल खाने से भाई वापस आ गए यार। FBR officer, जी। नाम designation के साथ शेयर किया। दो तीन केस ऐसे थे जिस पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ना कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे डालें। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कि आप जनरल नहीं था कुछ चीजें, हमारे बच्चे हमारे ऑडियंस इसको देखना पसंद करे ना करे। इनका ये कहना था कि सजाद पैरानॉर्मल उसकी पैदाइश है, उसके उसके आजा है जो नॉर्मल है, लेकिन कोई इस तरह वो वाला पैरानॉर्मल मामला नहीं है जो हम इसको शेयर करें। मैंने कहा यार सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाल दी। हाँ, ये बात है। और कोई है ही नहीं ना उस बच्चे का वालिद, वालिद और फैमिली उनका अलग मौकफ है, अस्पताल का अलग मौकफ है। अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, डॉक्टर ने तो अपने साइंटिफिकली बता दिया कि पॉसिबल नहीं है, कुछ घंटे की बात है, वो हफ्ता हो गया था उसका, अब हम क्या करें। तो यही ये ना हम कश्मकश में थे, मैंने कहा भाई जो होगा देखी जाएगी। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो हुआ जो सोच नहीं सकते। तो इसी तरह जी ये जो चीजें, कुछ तजर्बात, कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर वक्त दें ना और हौसले से समझें, तो करना रब की जात ने, आप पीछे क्यों हटते हैं। सही, आप देखें तो सही, आप माने ना माने अलग बात है, कम से कम उसको मौका तो दें पूरी बात अपनी बयान करने का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी बातों में बात आती है, जगहों पे नेगेटिविटी बहुत होती है, तो वो आपके जिस्म में पता नहीं चलती क्या जिस्म में घुस जाती है। इंडिया में एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, वो रिपोर्ट करता था कि मुझे नेगेटिव ताकतें अपने तरफ बुला रही है। गौरव तिवारी भाई जी, गौरव तिवारी भाई, जैसे आपने बात की ना नेगेटिविटी, मुझे तो यार याद है फरमाते हैं नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। कयामत तो आनी है यार, अल्लाह पाक बचाएं जी, अल्लाह पाक महफूज रखें इन ना समझ में आने वाले मामला से, ऐसी नौबत ही ना आए। और इसी बारे में ना कुछ एहतियातें जो बुजुर्ग कह गए ना, साफ सफाई, एहतियात सिर्फ कि नहीं हमारे अलावा भी कोई है हो सकता है, एहतियात करने में क्या जाता है, जरा सी एहतियात कितनी मसाइल से बचा लेती है, अक्सर हाजत हो जाती है। कितने केसेस शेयर किए हैं यार, अक्सर आप कुछ ऐसा अमल कर जाते हैं घर में या किसी जगह पे जो मुनासिब नहीं है, खासकर किसी ताकतों को अपने ताबे करने के चक्कर में, हासिल करने के चक्कर में, कोई इल्म अमल करने के चक्कर में। हमने देखा जी ये काम करवाए जाते हैं, किए नहीं जाते, और जिन्होंने किए वो हमारे लिए किए, अपनी जात के लिए नहीं किए।
हमारे यहाँ ये होता है कि मैं अपना काम करवा लूँ, उससे बनवा लूँ, कुछ माल बन जाए। सर आप उनके ताबू में चले जाते हैं। आपसे वाक्य शेयर किया हमने, हमने न्यूज चैनल पे ड्राइवर भाई थे टैक्सी वगैरह रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो शेयर किया। ये आंखों देखिए वाकियात है जिसके कई गवाह हैं ना। तो जी ये सब आपके सामने है, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी के लिए इंशाअल्लाह होगी। अस्सलाम।